वहीं लखनऊ में विजिलेंस जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार शाम को विजिलेंस टीम सेल्स टैक्स मुख्यालय पहुंची और धनेंद्र पांडे को 2,00,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। एडम डाटा सर्विसेज ने धनेंद्र कुमार के खिलाफ विजिलेंस से शिकायत की थी। बताया था कि डिप्टी कमिश्नर घूस मांग रहे हैं। विजिलेंस की टीम प्लानिंग के साथ सेल्स टैक्स मुख्यालय पहुंची और धनेंद्र को रंगे हाथ पकड़ लिया, उसके बाद गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। दरअसल एडम डाटा सर्विसेज के एक प्रतिनिधि ने विजिलेंस के हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर फोन करके कुछ दिनों पहले शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे उनकी कंपनी के जीएसटी रिफंड पास करने के एवज में 2,00,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इसके बाद एसपी विजिलेंस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने शिकायतकर्ता को ऑफिस बुलाया, उससे पूरी जानकारी ली। एडम कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी कंपनी पिछले कई वर्षों से अमेरिका की कंपनी की ओर से उपलब्ध कराए गए स्कैंड डाटा शीट्स को एक डैशबोर्ड में डिजिटल फॉर्म में तैयार कर वापस भेजती है। कंपनी 3 तरह के काम करती है, पहला मैनेजमेंट रिलेटेड, दूसरा डेटा एंट्री करने वालों की हायरिंग और तीसरा AWS Amazon वेब सर्विसेज का। वहीं शिकायत मिलने के बाद अरविंद चतुर्वेदी ने अपनी टीम को मामले की जानकारी दी, उसके बाद अधिकारियों से डिप्टी कमिश्नर को ट्रैप करने की परमिशन ली। परमिशन मिलने पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर मंगलवार शाम करीब 4 बजे GST मुख्यालय से 2,00,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।